गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड रिव्यूज। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। सबसे पहली बात कि आखिर क्या होता है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, दूसरी बात कि आखिर आपको शेयर या स्टॉक खरीदने के फायदे क्या हैं, और तीसरी बात आखिर आप शेयर खरीदेंगे किस चीज से और कहाँ से। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फटाक से जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और शेयर मार्केट क्या होता है, क्योंकि ये जो है हर किसी के मन में आता है कि भाई ये स्टॉक होता क्या है। हम जो है शेयर मार्केट तो इंडिया में काफी जगह पे सुन चुके हैं कि भाई शेयर मार्केट तो हमने काफी सुन लिया, लेकिन आखिर ये स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है दोनों ही एक ही चीज है, बस दोनों के नाम ही अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आपका पेड नेम अलग हो गया और आपका जो मतलब कि बाहर बुलाते हैं वो अलग हो गया और जो घर पे बुलाते हैं वो नाम अलग हो गया, बाकी इंसान सेम ही रहता है। तो सेम इसी तरीके से जो है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है, माने कि आपने किसी चीज का हिस्सेदारी खरीदा, माने कि आपने एक घर खरीदा है जिसका वैल्यू मतलब कि जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपए है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए रखता हूँ ताकि जो है ज्यादा झंझट ना हो जाए। ठीक है, 100 रुपए है, 100 रुपए का आपका घर है और साथ में आपने जो है 100 शेयर मतलब कि 100 भागीदारी करके रखा है कि भाई आपको अगर इस घर में अगर भागीदारी अगर चाहिए तो आप जो है 1 रुपए का 1 शेयर होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए का वो घर है और 100 शेयर जो है अपने बना के रखा है, 100 भागीदारी। तो जिसको भी उस घर में आना है या उस घर का एक हिस्सा खरीदना है तो हर एक शेयर का जो है 1 रुपए दाम है, तो 1 रुपए का 1 शेयर हो गया। ठीक उसी तरीके से जो है हम किसी कंपनी का, माने कि आजकल जियो काफी ज्यादा फेमस है या एयरटेल बहुत ज्यादा फेमस है, माने कि जियो कंपनी का अगर हमें हिस्सेदारी खरीदना है मतलब कि भागीदारी अगर खरीदना है तो हमें जो है सिंपल सा तौर पे एक जो है उसका शेयर परचेस करना पड़ेगा, मतलब कि एक छोटा सा भागीदारी जो है परचेस करना है। ठीक है, अभी अगर जियो का अगर प्राइस अगर देखा जाए तो वो 2000 या 2500 के बीच के आसपास जो है चल रहा है। ठीक है, तो वही जो है हम यहाँ पे उस कंपनी का जो है एक छोटा सा भागीदारी खरीदेंगे 2000 रुपए दे के। इसी को हम कहते हैं कि हम जो है शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी में। अब ऐसा नहीं कि भाई आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है। वो NSE और BSE में अगर लिस्टेड है तो ही जो है आप खरीद सकते हो। NSE BSE क्या है, वो जो है एक एजेंसी है जिसके थ्रू जो है हम शेयर को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वही उसी एजेंसी के थ्रू जो है हर एक कंपनी जो है लिस्टेड रहती है स्टॉक मार्केट में और शेयर मार्केट में, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, इसलिए जो है दोनों का मैं नाम ले लेता हूँ। अभी देखिए, मैं भी जो है यहाँ पे न्यूली हूँ, मुझे भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है फंडामेंटल्स वगैरह समझने की जरूरत है। मैं भी जो है अभी पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं किया हूँ स्टॉक मार्केट को। मैं सिर्फ एक मतलब कि आम इंसान मैंगो मैन की तरह ही जो है मैं बात कर रहा हूँ। मैंगो मैन मतलब समझ गए हो कि आम इंसान, ठीक है, एक कॉमन मैन की तरह। तो मैं यहाँ पे जो है एक कॉमन मैन ही हूँ, मुझे भी जो है ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जो है 1-2 महीने से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पैसे जो है ग्रो होने चालू हुए हैं, इसके लिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि आपके भी पैसे जो है ग्रो हो जाए। अब भाई बहुत सारे आप लोग आपको कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, फंस जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए, उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में किस तरीके से पैसा लगाया जाता है। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। माने कि ये जो है मेरा एजर का लैपटॉप है, अगर ये कंपनी अगर आगे जाके कुछ ग्रो नहीं करती है तो भाई मैं इसके ऊपर पैसे क्यों लगाऊंगा। माने कि आपने जो है एक पार्ले जी खरीदा, वो पार्ले जी बिस्किट अगर नहीं बिक रहा है तो आप उसमें शेयर क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो जो है डूबने वाली है। तो आप ऐसे कंपनियों में पैसा लगाइए जो कंपनी जो है आगे जाके बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो उससे ही जो है आपका फायदा होने वाला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर हमें जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में आखिर पैसा लगा के जो है फायदा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं यहाँ पे जियो का ही जो है शेयर का प्राइस ले लेता हूँ, 2000-2500 के बीच में चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो है 2000 रुपए को काउंट करूंगा। ठीक है, माने कि आपने जो है जियो का जो शेयर है वो जो है 2000 रुपए में 2 शेयर खरीदा, क्योंकि बहुत ही इजी होता है 2 शेयर को समझना, इसके लिए जो है मैं सिर्फ 2 शेयर का ही एग्जाम्पल लूंगा। माने कि अभी जो है आपने 2000 रुपए का 2 शेयर खरीदा, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जो है उसका जो प्राइस है वो हो जाता है 3000 रुपए,
तो आपको यहाँ पे फायदा क्या हो गया, आपको जो है 2000 रुपए जो है एक्स्ट्रा फायदा हो गया। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई जो है यहाँ पे सिर्फ दो ही शेयर खरीदता है, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि जो है हजारों लाखों करोड़ों जो है शेयर खरीद के रखते हैं। किसी भी कंपनी के जो है 10,000-20,000 शेयर नहीं होते, हाँ छोटे मोटे कंपनी के होते हैं, लेकिन रिलायंस जैसे कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो जो है लाखों करोड़ों में होते हैं, जिसकी कोई गिनती भी नहीं होती, इतने सारे जो है शेयर होते हैं। ठीक है, तो आप जो है रिलायंस में अगर पैसा लगाओगे तो हो सकता है कि उसका पैसा डबल हो जाए। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में आप उसके फंडामेंटल्स वगैरह समझिए, कंपनी क्या पता ग्रो करेगी नहीं करेगी, उसके हिसाब से ही जो है मैं आप जो है पैसा लगाना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे जो है आपका पैसा जो है मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि जो है आपने आज पैसा लगाया और कल जो है 3000 रुपये हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म्स में होता है। शॉर्ट टर्म्स में जो है कभी भी शेयर मार्केट में जो है आप पैसा नहीं लगा सकते, मतलब कि पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि मैंने भी जो है कुछ पैसे लगाए हैं और मेरे पैसे जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने देखा कि हाँ भाई शेयर मार्केट से भी जो है आप थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते हो, बल्कि थोड़े बहुत नहीं, अगर लॉन्ग टर्म्स में देखा जाए तो आप काफी सारे पैसे जो है अर्न कर सकते हो। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसकी वॉरेन बफेट और भी राकेश झुनझुनवाला या रमेश झुनझुनवाला, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी जो है अभी न्यू हूँ, तो वो भी जो है काफी सारे करोड़पति बन चुका है सिर्फ और सिर्फ जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के। अब वो भी जो है बहुत ही लोवेस्ट फैमिली से आते थे, ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई क्लास फैमिली से आते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी लोअर क्लास फैमिली से ही आते थे, लेकिन वो जो है अभी के टाइम पे अरबपति है, इंडिया में टॉप लिस्टेड में हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर हम जो है ये स्टॉक या शेयर आखिर खरीदें कहाँ से। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको 3 एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया की बेस्ट एप्लीकेशन है, और मुझे भी जो है इनमें से 2 एप्लीकेशन खास तौर पे, एक एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल और मैं खुद ही जो है उसी एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, तो वो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिये सबसे पहले नंबर पे आता है जो मुझे खासतौर पर बहुत ज्यादा पसंद है, वो है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है कि आखिर कौन सा चीज कहाँ पे है, तो हर एक चीज एकदम सिंपल सा है, तो मुझे वो एप्लीकेशन नंबर 1 पे इसलिए मैंने रखा है क्योंकि वो जो है बहुत ही इजीली जो है समझ में आ जाता है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो है अपस्टॉक जो एप्लीकेशन है वो भी जो है काफी अच्छा और काफी क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है, लेकिन अगर ग्रो से अगर कंपेयर करूं तो मुझे उतना ज्यादा जो है उसमें बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है उसमें भी, लेकिन मुझे जो है ग्रो काफी ज्यादा बेहतर लगता है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो जीरोधा, ठीक है, जीरोधा भी जो है एक स्टॉक मार्केट मतलब कि शेयर खरीदने वाली ही एप्लीकेशन है, उसमें भी जो है आप जाके शेयर खरीद सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और धड़ाधड़ जो है आप जो है स्टॉक खरीदना चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो है डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप बहुत ही इजीली जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें जो है हम अपना स्टॉक खरीदा हुआ, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, सेम ही जो है हम अपने डीमैट अकाउंट में हम जो है अपने शेयर को रखते हैं ताकि वो जो है वहां पे सेफ रहे। ठीक है, अब देखिए आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमने अगर खरीद लिया या ग्रो भाग गया या फिर अपस्टॉक भाग गया तो हम जो है करेंगे क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसको जो है सेबी जो है सिक्योर रखता है, सेबी जो है एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड समझ लीजिए या कुछ भी एजेंसी समझ लीजिए, वो जो है यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट NSE BSE को जो है यहाँ पे रेगुलेटेड करता है ताकि वो जो है यहाँ पे कुछ भी ना कर पाए। वो तो छोड़ो, कोई कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सेबी हर एक चीज का जो है यहाँ पे ध्यान रखता है कि आखिर कोई भी किसी तरीके से गड़बड़ी ना कर सके। मुझे लगता है कि मैंने जो है आपको यहाँ पे बहुत तीनों चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, आप किस तरीके से जो है शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से जो है आप शेयर खरीद सकते हैं। तीनों ही चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे क्रिस्टल एंड क्लियर जो है समझा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक, और बस गुड लक।